प्राचीन समय में राजाओं व जमींदारों द्वारा अपने पुरोहित ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती थी, लेकिन आज के समय में जमीनों के दाम बढ़ने से उन जमीनों को लेकर राजाओं व जमींदारों के वंशज या आज के भूमाफियों द्वारा मनमुटाव और मुकदमेबाजी जैसी घटनाएं होने लगी और होती भी है, जिसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने भगवान परशुराम महाकुंभ में हरियाणा सरकार के सामने अपनी 8-9 मांगे रखी थी, जिसमें दान में दी गई जमीन दोहलीदार की मांग भी थी, जिस मांग पर हरियाणा सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया। जितनी भी दोहलीदारी भांडदारी की जमीन है उनका मालिकाना मिल्कियत ब्राह्मणों को दी जाती है, जिसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए सेक्टर 12 फरीदाबाद स्थित अपने कार्यालय पर लड्डू बांटे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया। आज खुशी तो देखो खुशी होती है, बाकी बहुत ज़्यादा खुशी है। एक हमारी बहुत लंबित मांग थी पिछली सरकार में भी और वर्तमान में भी, एक ढोलीदार ज़मीन थी जो कभी बड़े जमींदारों ने या जैसे कहते राजाओं ने ब्राह्मणों को दान दी थी। उस ज़मीन की मलकियत के लिए हमने बहुत प्रयास किए और भगवान परशुराम महाकुंभ जो करनाल में हुआ था उसमें हमने लगभग 8-9 मांगे रखी थी। उन मांगों में ये मांग भी थी दोहलीदार ज़मीन की, वो सरकार ने मालिकाना हक दिया है। तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी मांग अभी बाकी रहती है ब्राह्मण आयोग की, वो भी जल्द पूरी हो। तो आज उस उपलक्ष्य में हमने अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में लड्डू बांटे, धन्यवाद सरकार।